सोचने वाली बात यह है कि अंशु बोल रही है मेरा चैनल हैक हो गया, मगर अगर चैनल हैक होता तो क्या सिर्फ नेगेटिव कमेंट करने के लिए हैक होता? जो हैकर होता है वो पूरा चैनल ही ले लेता है और वीडियो प्राइवेट कर देता है, डिलीट कर देता है आपके लिए, नहीं कि सिर्फ नेगेटिव कमेंट करके छोड़ देगा। तो यहाँ पे सपना के जितने भी ससुराल की फैमिली है सारे अगेंस्ट हैं, कभी नहीं चाहते हैं ससुराल की फैमिली सपना के कि अंशु और सपना का दोनों का बने। वो हमेशा चाहते हैं, शुरू से चाहते हैं कि सपना और अंशु दोनों अलग हो जाएं। आप खुद सोचिए कि ये मैटर जो है शांत हो गया था, मगर पड़ोसी के थ्रू जब जैरी का वीडियो डलवाया गया था, सपना के सास ससुर जैरी का वीडियो डलवाए पड़ोसी के थ्रू, तो फिर सपना ने फिर से सपना के आग लग गई, सपना को फिर से जलन होने लगा। क्यों भाई? मतलब अचानक से अपनी सास ससुर को आप बोलते हो कि अपना ओपिनियन रखें कि हमने क्या किया इनके साथ, इनके साथ क्या बुरा हो रहा है। अभी तो स्टार्ट ही किया है, तो थोड़ा सा तो जो लोग कैमरे के सामने नहीं आते हैं उसको कैमरे के सामने आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मगर यही पे सपना पहले एक लाइव करती है जिसमें पड़ोसी को बहुत बुरा भला कहती है। अब बोलती है क्या पड़ोसी का यूट्यूब चैनल उसी के थ्रू मेरे सास ससुर जो हैं, मैंने उनके साथ क्या गलत किया नहीं किया वो सब कुछ बताए। अब कम से कम थोड़ा बहुत तो टाइम दो अपने सास ससुर को। ठीक है, आपके साथ आपके सास ससुर गलत किए हैं, हम मानते हैं, सब लोग मानते हैं, जितने लोग आपको पसंद करते हैं ना, जितने लोग आपको देखते हैं सपना, सब मानते हैं कि आपके सास ससुर आपके साथ गलत किए हैं। मगर वो सास ससुर अपना दो जवान बेटा खोया है, मगर आपके पास आपकी मम्मी है, भाई है, भाभी है, सब है आपके पास, फिर भी आप इतना दुखी रह रही हो। और वो माँ बाप अकेले रह रहे हैं दोनों, वो किसी के साथ अपना दुख शेयर नहीं कर रहे, तो कम से कम अपना थॉट अपना ओपिनियन रखने के लिए उस माँ बाप को भी टाइम तो लगेगा ना। कैमरे के सामने वो जल्दी आती नहीं है। आपके आपके सास को सभी लोगों ने देखा है कि सास जब भी कैमरे के सामने आती है तो उनके सर से पल्लू जो है हटता नहीं है हमेशा। अभी भी इतनी बूढ़ी हो गई है फिर भी वो दुल्हन की तरह अपने सर पे पल्लू लगाए रखती है। तो वो पुराने सोच के हैं, तो उनको टाइम लगेगा अपनी बातों को रखने के लिए। और आपको पता है ना सपना, आप खुद बोल रही थी ना कि मुझे पता है कि मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर और मेरे बीच में रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब वो बंदा कौन है, जो तीसरा पर्सन को जो तुम नाम लेती हो वो बंदा कौन है, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। जब सब कुछ जानती हो सपना, तो क्यों तुम अपना दिमाग खराब कर रही हो, अपना दिमाग क्यों नहीं यूज कर रही हो? तुम्हारे पीछे दो दो बेटियां हैं, तुम्हारे पीछे दो बच्चे का भविष्य है। जब तुम अपना दिमाग काम नहीं करोगी दूसरे के कहने पे, दूसरे के बोलने पे, दूसरे लोग तो बोलेंगे तू जाकर कुआं में कूद जा, तो क्या तुम अपने आप को खत्म कर लोगी? पहले तुम्हें पोक किया गया कि द रोड चैनल का ऑनर सूरज भाई थे, वो बंदे को तुमने सोशल मीडिया पे इंसल्ट किया, एक डेड इंसान को तूने इंसल्ट किया और उसी के वजह से तुम्हें पहचान मिली है। मगर तुम लाइव में आके क्या बोलती हो कि सभी लोग मुझे बोलते हैं कि मुझे सूरज जी और राजवीर जी से पहचान मिली है। सपना तुम एक्सेप्ट करो, भले तुम्हें सूरज जी से तुम्हें नफरत थी या तुम्हें जानवरों की तरह तुम्हारे साथ सलूक करते थे, मगर जो कुछ भी हो अभी स्नैपी गर्ल द रॉड चैनल के बाद ही तुमने ओपन किया था, तो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इग्नोर नहीं, क्योंकि जैसा भी है तुम्हारा पति थे राजवीर और सूरज, तुम्हारा पति थे, अभी वो इस दुनिया में नहीं है, भगवान का रूप ले लिए हैं, तो तुम अपने मरा हुआ पति को भी अपने कैरियर के लेके नहीं बोलती हो कि बोलती हो कि जो कुछ भी हूँ मैं खुद की बदौलत हूँ। वो यहाँ पे तुम गलत हो सपना, मैं इसका बिल्कुल भी तुम्हारे पक्ष में मैं बात नहीं करूँगी। अगर तुमने अपने लाइव में आके बोला कि सब लोग बोलते हैं
कि तुम्हारा पहचान जो है सूरज और राजवीर से हुआ है, तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि हाँ तुम्हारा पहचान सोशल मीडिया पे सूरज और राजवीर सिंह से हुआ है। हाँ तुम मेहनत करी हो, तुमने मेहनत किया है, कोई इग्नोर नहीं कर रहा है तुम्हारे मेहनत का, तुमने इग्नोर कोई नहीं कर रहा है, तुमने मेहनत किया है, तुमने भी अपना मेहनत किया है, मगर राजवीर जी और सूरज जी भी मेहनत किए हैं। तो तुम कुछ पॉइंट अपने अपने पति का भी रखो, तुम कुछ पॉइंट अपने पति को रखो, मगर सारा पॉइंट जो है, सारे सक्सेस का जो पॉइंट होता है कि मेरा सफलता का राज में सिर्फ मैं अकेले हूं, तो यहां पे तुम गलत हो। और जो तुम अंशु के साथ तुम इस तरीके से बिहेव कर रही हो सपना, तुम अपने दिमाग से खुद सोचो कि ये मात्र 13-14 साल की बच्ची है, उसका 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम है। वो कल जो वीडियो में इस तरीके से अपनी कसम खा के बोल रही थी कि मैं अपनी कसम खा के कह रही हूँ, भाभी विश्वास नहीं कर रही है, हमसे बात किया तो विश्वास नहीं कर रही है कि अंशु तुम मेरे अगेंस्ट कैसे जा सकती हो। अब सपना तुम खुद सोचो अपना दिमाग से, तुम्हारा आरू और रोही अगर अंशु की जगह पे होती और इस तरीके से करती, तो क्या अपनी बेटियों को भी तुम अनफॉलो कर देती है सपना, अपने दिल से निकाल देती? ससुराल में अभी तक किसी से तुम्हारा रिश्ता बचा हुआ है तो वो है सिर्फ और सिर्फ अंशु। और तुम खुद बोलती हो ना कि हर रिश्ता खून का नहीं होता है, दिल से होता है, तो तुम उस बच्ची के ऊपर क्यों शक कर रही हो? अपना दिमाग दौड़ाओ कि तुम्हारे ससुराल में तुम्हारे सारे अगेंस्ट हैं, कोई भी अंशु का मोबाइल लेके तुम्हारा विरुद्ध उसको भड़काने की कोशिश करेगा, तो तुम अपना दिमाग क्यों नहीं दौड़ा रही हो सपना? उस मासूम बच्ची को जो कि इसकी पढ़ाई पे असर पड़ेगा और वो काफी मेंटली रूप से डिस्टर्ब लग रही थी, परेशान लग रही थी, उसके साथ तुम्हें इस तरीके से बर्ताव नहीं करना चाहिए सपना। अभी भी तुम इसको एक्सेप्ट करो और मनाओ कि चलो कोई नहीं, जो हुआ अब आगे से हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो बच्ची काफी ज्यादा डिस्टर्ब है। और तुम इतनी छोटी सी बच्ची को तुमने चैनल दे दिया सपना, तो यहाँ पे तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। एक चैनल तो तुमने दे दिया, फिर तुम दूसरे चैनल को देने की कोशिश कर रही थी, वो पढ़ने वाली बच्ची है, अगर उसके हाथ में चैनल चल जाएगा, सोशल मीडिया पे वो इतना एक्टिव अभी नहीं रहती है क्योंकि मगर जो हमारे समाज में हमारे पॉलिटिक्स में क्या हो रहे नहीं हो रहे, पढ़ने वाले बच्चे उन सभी चीज़ों से जितना दूर रहे उनका भविष्य इतना अच्छा उज्जवल होगा और पढ़ाई लिखाई में उनका मन लगेगा। मगर अंशु जो है सोशल मीडिया पे कभी कभी एक्टिव होती है, हमेशा तो उसके पास मोबाइल नहीं होता है ना, मगर कोई ना कोई तो जरूर सपना का वीडियो को लाइक कमेंट को लाइक किया है, हेट कमेंट को लाइक किया, क्योंकि अंशु हमेशा अपनी मोबाइल को हाथ में नहीं लेके चल सकती है। और आपको पता है ना सपना कि हाँ अंशु और आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने के लिए लोग एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना दिमाग से तुम अपना काम करो। इस तरीके से अभी तक ट्रेनिंग नहीं मिला है कि किस तरीके से हम YouTube को संभाल सकते हैं, किस तरीके से ईमेल जीमेल चेंज कर सकते हैं, हो सकता है उसको इतना आइडिया नहीं होगा, इसलिए उसका कोई मोबाइल लेके या उसका जीमेल आईडी को लॉगिन करके तुम्हारे कमेंट के साथ या इसके वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर रहे होंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हैकर हैक करता तो सिर्फ नेगेटिव कमेंट को हैक नहीं करता, सीधे हैकर जो है सिर्फ पूरा चैनल ही ले लेता। देखो आए दिन कई लोगों के साथ इस तरीके से हुआ, इधर मिस्टर एंड मिसेज सचिन के साथ, सचिन मनीषा के साथ भी ऐसा हुआ, और प्रिंस के साथ भी ऐसा हुआ, और अंकुश सक्सेना के साथ भी ऐसा हुआ, मगर इन सभी के चैनल कभी भी वापस नहीं आए, मगर अंशु के चैनल अंशु के पास है। तो यहाँ से साफ तौर पर पता लग रहा है कि अंशु और सपना को रिश्ते को तोड़ने के लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं। तो सपना को भी समझना होगा कि ये पढ़ने वाली बच्ची है, इसके ऊपर आपको इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इसका भी पढ़ाई का काफ़ी ज़्यादा बोझ है। और जब से वो अपने घर गई है सिर्फ अभी तक आपको अपना मानती है, आपकी भाभी माने या सिस्टर माने या फ्रेंड माने, और आप भी अपने अंशु को
अपनी बेटी, अपनी दोस्त, अपनी सिस्टर सब कुछ मानती हो ना, इसी तरीके से अंशु भी अभी अपने घर वालों को सही से एक्सेप्ट नहीं कर पाई है, अभी दिल में बसा नहीं पाई है, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में, सपना तुम्हारे बारे में सिर्फ सोचती है रात दिन। इसका कल वीडियो देख के सच में मेरे मतलब सभी के आंखों से आंसू निकल गए, सभी के मतलब दिल दिमाग जो है सोचने लगा कि ये छोटी सी बच्ची देखो किस तरीके से डरी सहमी नर्वस होके बोल रही है कि भाभी भी विश्वास नहीं करेगी। तो अपना दिमाग से काम करो सपना, अपना दिमाग से काम करो, और क्योंकि तुम्हारे चारों तरफ से दुश्मन तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, और नेगेटिव कमेंट को इतना हाईलाइट मत करो, और ज़्यादा ही तुम्हारे पास नेगेटिव कमेंट आते हैं ना तो सीधे कुछ दिनों के लिए कमेंट ऑफ ही कर दो।